अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो कि एटॉमिक एनर्जी जॉब्स के हवाले से हैं। ठीक है, तो ये है एटॉमिक एनर्जी पीओ बॉक्स 368 रावलपिंडी जॉब्स 2021 बाय पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये नए जॉब्स आए हैं एटॉमिक एनर्जी में और लास्ट डेट जो इसमें है तो वह है 31 मार्च है इसमें। ठीक है, 21 मार्च है, सॉरी। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है डिटेल ऑफ एटॉमिक एनर्जी पीओ बॉक्स 368 रावलपिंडी जॉब्स। तो ये यहाँ पे भी लिखे हुए हैं सारे जो पोस्ट हैं। ठीक है, हर एक का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और नीचे इसका एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो नंबर फर्स्ट पे है अटेस्टेड फोटो कापीज़ ऑफ द एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस लेटर्स। नंबर टू पे है 01 क्रॉस पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। नंबर थ्री अटेस्टेड फोटो कापी ऑफ CNIC या फॉर्म बे जो कि नादरा से आपको मिली हो। नंबर फोर अटेस्टेड फोटो कापी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जिस एड्रेस पे आपने ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो वो है डायरेक्टर एडमिन पीओ बॉक्स 368 GPO रावलपिंडी। तो ये डिटेल था और नीचे ये जो इश्तहार हैं, जो असामियाँ हैं इसमें, तो आपने ये वाला इश्तहार पूरा देख लेना है। ठीक है, जो जॉब्स हैं तो उसका पूरा यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, पे स्केल, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस, तो सारा कुछ इसी में लिखा हुआ है। जिस तरह मिसाल के तौर पे नंबर वन पे डायरेक्टर है और इसका पे स्केल है SPS 10 और SPS 9, और यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जो है और एक्सपीरियंस इसमें नील है। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता ये जो डायरेक्टर वाला पोस्ट है। इसके नीचे है जूनियर इंजीनियर जो कि SPS 8 है, तो इसके लिए BE, BSc इंजीनियरिंग सिविल या इलेक्ट्रिकल और फर्स्ट डिवीज़न के साथ। तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो है मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड रिलेवेंट फील्ड। तो इसके साथ जो एक्सपीरियंस मांगता है तो वो है 5 ईयर्स जो कि आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल में किया हो और आपके पास BE, BSc इंजीनियरिंग की डिग्री हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये SPS 8 है और एज अ जूनियर इंजीनियर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट, तो इसमें 3 जॉब्स हैं और इसका जो पे स्केल है नंबर वन का है SPS 7, दूसरे का है SPS 6 और तीसरा जो असिस्टेंट है उसका है SPS 5। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है तो वो है रिटायर्ड JCO क्लर्क, कंप्यूटर लिटरेट विद एग्जेम्प्लरी करेक्टर प्रीवियसली फ्रॉम कॉप्स एंड इंजीनियर्स। तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो है 0। नंबर 4 पे हमारे साथ है जूनियर असिस्टेंट 1, 2 या 3, यानी कि जूनियर असिस्टेंट 1, जूनियर असिस्टेंट 2 और जूनियर असिस्टेंट 3। तो इसके लिए जो है वो है SPS 4, SPS 3 और SPS 2 स्केल्स। ठीक है, तो रिटायर्ड सोल्जर कंप्यूटर लिटरेट नंबर ए पे ये है, या इसके अलावा अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये ए वाला हो या बी वाला, मतलब BA या BSc फर्स्ट डिवीज़न में आपने की हो, फर्स्ट डिवीज़न इसके लिए लाजमी है और एक्सपीरियंस में मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, जो आपने इसमें किया हो। जूनियर असिस्टेंट 1, 2, 3 एडमिन स्टोर या ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो इसका जो पे स्केल है वो भी है 4, 2 और 3। ठीक है, तो इसका क्वालिफिकेशन आगे लिखा हुआ है, इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो भी नील है और इस तरह इसमें नीचे Tech 1 सब इंजीनियर, Tech 1 AutoCAD, SPS 4 और क्वालिफिकेशन इसके लिए है 3 ईयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर एंड सिविल एंड इलेक्ट्रिकल फर्स्ट डिवीज़न में होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड रिलेवेंट फील्ड। तो आपने अगर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या सिविल में किया हो और आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस हो तो आप Tech 1 और Tech 2
सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके नीचे है कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है और इसके आगे इसका एक्सपीरियंस यानी कि क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के आगे इसका एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है। तो ए बी सी डी क्वालिफिकेशन, इसमें चार कैटेगरीज हैं और आगे एक्सपीरियंस जो है वो एज अ होल यानी कि टू ईयर सब के लिए चाहिए, ठीक है। इसके नीचे है ड्राइवर वन, ड्राइवर टू और ड्राइवर थ्री। तो इसी तरह इसके भी तीन स्केल्स हैं, पे स्केल हैं SPS 4, SPS 3, SPS 2, ठीक है। तो रिटायर्ड सोल्जर हो या नीचे मैट्रिक और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद LTV एंड STV ये आपके साथ हो और 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो इसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल है एज अ ड्राइवर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे है टेलीफोन ऑपरेटर, तो SPS 3 और SPS 4, तो ये दो इसमें पे स्केल्स हैं और इसके आगे भी अपना क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है तो वो 2 to 8 ईयर्स के दरमियान है। इसके नीचे Tech 2/Tech 3 या Tech 4, तो इसमें नीचे इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक, ये सारे लिखे हुए हैं और इसके आगे क्वालिफिकेशंस हैं और आगे एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है। तो एक्सपीरियंस इसके लिए 6 इयर्स हैं, ठीक है। तो इसके नीचे जो है वो है स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3, SPS 3, मैट्रिक हैविंग HTV सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद ट्रेड टेस्ट एंड ऑपरेशन ऑफ स्पेशल व्हीकल्स, या बी में जो लिखा हुआ है। तो इन दोनों में अगर आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है और 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके नीचे है कुक, हेल्पर कुक या कुक और हेड कुक, यानी कि इसमें 4 हैं, SPS 1, SPS 2, SPS 3 और SPS 4 पे स्केल्स इसमें हर एक के लिए हैं। तो इसका जो है आगे जो क्वालिफिकेशन है वो एक मैट्रिक है और दूसरा रिटायर्ड सोल्जर और फला फला ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है तो वो है 6 to 15 ईयर्स। तो आपने ये सारा क्वालिफिकेशन आराम से पढ़ लेना है और इसको कंफर्म करना है कि आपके पास यही क्वालिफिकेशन हो। इसके नीचे है मिस अटेंडेंट वेटर या हेड वेटर, तो इसके लिए भी 1 से लेकर 4 तक SPS स्केल्स हैं और उसका भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और ए में दूसरा लिखा हुआ है, तो आपने इसको रीड कर देना है। और 6 to 15 ईयर्स इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। और जनरल अटेंडेंट 3, जनरल अटेंडेंट 2, SPS 1, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और एक्सपीरियंस इसमें निल है। सेनेटरी अटेंडेंट 2, SPS 1, इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है यहाँ पे और एक्सपीरियंस भी इस पर नहीं मांगते। और नीचे है माली, तो SPS 1 मेडल विद स्किल टेस्ट और 5 इयर्स इसका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये पूरा इश्तहार था और नीचे यहाँ पे इसमें जो है पूरा डिटेल नीचे भी लिखा हुआ है। 21 मार्च इसका लास्ट डेट है और यहाँ पे आपने 368 GPO PO बॉक्स नंबर 368 GPO रावलपिंडी पहुंच जानी चाहिए, मतलब के 21 मार्च तक आपने ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भिजवा देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इसका और भी उम्र के लिहाज से यहाँ पे बात हो रही है, 33 साल तक की उम्र के मर्द पाकिस्तानी शहरी दरख्वास्त दे सकते हैं, ताहम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन 55 साल की उम्र तक दरख्वास्त दे सकते हैं और टेस्ट के लिए कोई TA DA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका पूरा इश्तहार, आपने इसको पढ़ लिया और आपने ये ऊपर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ से आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो डाउनलोड कर देना है, ठीक है। तो वो इस तरह आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको फिल कर देना है, अपना नाम और कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड नंबर और यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर लगा देना है और यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह लिख के अपना साइन करके और डेट डाल के आपने अपने
इसके साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच कर देने हैं, और जो एड्रेस मैंने आपको बताया है तो आपने इस एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। ये जो एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन पीओ बॉक्स 368 GPO रावलपिंडी।